कार्यक्रम बंद भी नहीं कर रहे हैं, सभी लोग दो दो लाइन एक एक मुखड़ा गाकर सुने, लेकिन मेरा प्रोग्राम है ना किसी और का प्रोग्राम है, ये हम हमारे खंडवा के सभी साथियों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से यहाँ किशोरदा के लिए गीत गाने आता हूँ और किशोरदा ने मुझे अपनी तनखाइयों से गीत गाकर उठाया है और मुझे क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके गाने सुनकर हंसता ना हो, रोता ना। किशोरदा की आवाज़ में वो जादू था और वो जादू आज हम सब लोग पाने की सोचते हैं, बस कोशिश ही। इलेक्ट्रॉनिक वाले रुक जाओ यहाँ पर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाले कर लो पहले। हाँ ठीक है भाई।
both of this. Hello. प्लीज ध्यान से श्रद्धा से बोलने दीजिए और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई बस किशोरदा के मुतालिक ही पूछेंगे तो कोई कंट्रोवर्शियल हाँ सर बताएं किशोरदा को लेकर आप क्या सोचते हैं कोई पहले तो आप किस रूप में देखते हैं उनको कहाँ है लाइन छत पर किशोरदा हमारे देश के एक गौरव हैं हमें गर्व है कि इतने महान कलाकार इतने वर्सटाइल कलाकार हमारे देश में रहे हैं रह चुके हैं किशोरदा किसी के दिल से कभी भी नहीं निकल सकते इतना टैलेंटेड इतना मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट युगों युगों में पैदा नहीं हुआ किशोरदा न सिर्फ एक बहुत महान गायक थे बल्कि उतने ही महान अभिनेता थे निर्देशक थे और कितनी महान फिल्में उन्होंने बनाई होंगी किशोरदा की तरह हंसाने वाला एक हंसमुख इंसान और एक कोमल मन के इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं किशोरदा को मैं बहुत प्यार से जानता था और एक सुपुत्र के नाते ही जानता था हम सब कलाकारों को ये गर्व था कि किशोरदा के साथ हम कभी न कभी कहीं ना कहीं कुछ काम कर सके मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने कई स्टेज शोज़ किशोरदा के साथ किए और कई फिल्मों में भी उनके संग गाया ख़ास तौर से क्रांति के सारे गीत किशोरदा के साथ गाए मैंने उनमें एक बच्चापन था वो छोटे से बच्चे जैसे थे वो बल्कि हमसे ज़्यादा शरारती और लाइवली जिसे कहते हैं वो खुद थे और मगर फिर भी दिल में बहुत दया बहुत ममता और जैसे लोगों को जो दृष्टि नहीं मालूम उनके बारे में वो ये थी कि बहुत ही दयालु और मटेरियल चीज़ों में उनको बिल्कुल शौक़ नहीं था वो सिंपल बहुत सिंपल आदमी थे किसी और कलाकार को इज्जत देना प्यार देना उनके लिए उनके दिल से निकलता था और बहुत साधारण मामूली बात थी उनके लिए मुझे ख़ास तौर से याद है कि मुकेश जी के गुज़र जाने पर किशोरदा को बहुत गम हुआ दुख हुआ और फिर कई बरसों तक जब तक वो खुद रहे वो मुझे अपने कई कार्यक्रमों में ले जाया करते थे और अपने साथ गवाया करते थे सबसे महान बात तो ये है कि अपने प्रोग्राम में हमेशा ज़रूर एक मुकेश जी का गीत गाते थे मुझे अपने बराबर में बिठाकर ऑडियंस से ये कहते थे कि मैं मुकेश के बेटे को नितिन को चाहूँगा कि मेरे बराबर में बैठे और कहते थे पता नहीं मैं कैसे गाऊंगा ये उसके बाबा का गीत मगर सचमुच जाने कहाँ गए वो दिन गाते थे और चार चांद लगाते थे उस गीत को गाकर अपने अंदाज में बढ़पन है महानता है एक बड़े कलाकार की पहचान चिन्ह है कि किसी और कलाकार को पहचाने और उसको श्रद्धा से इज्जत दे ये किशोरदा की पहचान थी आज मेरा सौभाग्य है कि उनके 76वें जन्मतिथि पर मैं मौजूद हूँ तो उस पवित्र स्थल पर जहाँ किशोरदा ने जन्म लिया था खंडवा में और कल्चर विभाग की ओर से आज फूलों के रंग से कार्यक्रम एक होने जा रहा है स्मृति किशोर वो उसका आज पहली बार खंडवा में आयोजन किया जा रहा है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस पर एक मुझ जैसे छोटे कलाकार को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है कि मैं आकर किशोरदा को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सकूँ
रही। हाँ जी, एक खास बात पूछना चाहूँगा कि मन ये कहता है कि उसको तो सदा सदा के लिए जीवित रखना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, देखा मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया है गौरी कुंज, जो किशोर दा ने एक सपना देखा था बनाने का, वो बनाया है। उनके घर को, उनकी समाधि को सबने इतनी श्रद्धा से, नियमित रूप से अच्छा रखा है। और मैं चाहूँगा कि एक कलाकार जीवित क्यों रहता है, क्योंकि उसको उसके चाहने वाले ज़िंदा रखते हैं अपने दिल में, अपने मन में। और जब तक वो होगा, किशोरदा अमर हैं, एक महान कलाकार अमर हैं। और मैं इसलिए चाहूँगा कि एक कलाकार की ओर से कि आप सबसे निवेदन होगा कि उनके आदर्शों पर और उनके किए गए अच्छे काम पर, उनको आप सबको तो मालूम ही है कि उन्हें खंडवा कितना प्यारा था। हर कार्यक्रम में वो याद करते थे कि मेरी खंडवा, खंडवावासी किशोर कुमार, खंडवावासी किशोर, ऐसे करके। और तो उनकी याद को जीवित रखें आप सब मिल कर के, और उनके जितने सपने थे इस प्यारे से शहर के लिए, वो सब पूरे करने में जुड़े रहें। कलाकारों से भी मुझे क्या निवेदन करने की ज़रूरत, सब कलाकारों को इतनी श्रद्धा है उनके प्रति कि जब जब उन्हें याद किया जाएगा और मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा कि अपनी सेवा यहाँ प्रस्तुत करें, ज़रूर काफ़ी मजाकिया इंसिडेंट बताऊंगा आपको। क्रांति की रिकॉर्डिंग चल रही थी और एक गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, तो वो गाना शुरू होता उसमें, आप सोचिए मेरी हालत क्या रही होगी उस गीत में, गाने में। और उन दिनों तो सब मिलके संग गाया करते थे, उस गीत में गा रहे थे किशोर दा, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी और फिर नितिन मुकेश। सबसे पहले गाना शुरू होता है किशोर दा के लाइनों से, फिर लता जी गाती हैं, फिर रफ़ी साहब गाते हैं, फिर अंत में मेरी लाइनें आती हैं। तो ये होता था कि रिकॉर्डिंग चल रही थी और रिहर्सल कर रहे थे, तब तक तो किशोर दा ने बहुत गंभीरता से और बहुत मुझे इनकरेज तो खैर करते ही थे हमेशा, मगर ये मजाक मुझे छेड़ना था उन्हें, वो खुद बच्चा थे, हम लोग उनसे यानी शरारत नहीं कर कम करते थे, बल्कि वो तो बहुत प्यारे इंसान थे, हंसमुख के इंसान से। तो जैसे मैं उनकी लाइन बहुत खूबसूरती से गा ली, फिर लता जी ने गा लिया, फिर रफ़ी साहब गा लेते हैं, मेरी बारी आती थी तो ठीक मेरे माइक के सामने आकर उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया और शरारत करनी शुरू कर दी, जिससे मुझे हंसी आ जाती थी। और रिकॉर्डिंग रूम में बैठ के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब समझते थे कि मैंने गलती कर ली है, तो गाना रुक जाता था, फिर से दोबारा गाना पड़ता था। तो मैं मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कह दूं कि किशोर दा ने मुझे हंसाया इसलिए मैं गाना गलत हो गया। और फिर जैसे वो नाराज़ हो जाते थे मुझ पर कि क्या करे हो नितिन, किशोर दा, लता जी, रफ़ी साहब थक जाएंगे और तुम बार बार गलतियां कर रहे हो। अब मैं आंखें नीची कर लेता था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं ये तो नहीं कह सकता, और फिर मेरे सामने ही हूँ, बोलना मत, बच्चे की तरह वो करने लगते थे। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चला, जैसे ही मेरी लाइन आए और आके वो डांस करने लग गए माइक के सामने और शरारत वाली शक्लें बनाना और मुझे किसी तरह हंसाना। फिर अंत में लता जी ने कहा प्यारे लाल जी से कि प्यारे ये नितिन की कोई गलती नहीं है, ये किशोर दा को इनको आके वो करना होगा, मगर उनकी शरारत उनको कौन कुछ कह सकता था। इतने प्यारे इंसान थे, बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं, ऐसी कई बातें हैं, मगर ख़ास तौर से ये है कि जब वो किशोर दा संग होते थे और हम सब जूनियर कलाकार उनके साथ गाते थे स्टेज पर उनके शोज़ में, तो वो मौजूद रहते थे हमारे आइटम के पहले, और मंच पर जाकर हमारे बारे में कहना कि ये मुकेश का बेटा है, मुकेश मेरा थे,
दोनों ही कलाकार। तो कहते थे मुकेश तो मेरा गुरु भाई है और उसका बेटा गा रहा है तो आप सब ध्यान से सुनिए, मेरे संग खड़े रहते थे जिससे प्रोत्साहित होता था मैं। ये बातें हैं ऐसी कई। सम्मान को लेकर के क्या फीलिंग है आपकी, और ख़ास तौर पे ये सम्मान जो दिया जा रहा है जावेद अख्तर जी को, इसके बारे में बताएं। मुझे बेहद खुशी है कि मध्य प्रदेश कल्चर विभाग ने ये एक अवार्ड दिया जा रहा है, जो ये तय किया है कि किशोरदा की स्मृति में हर साल किसी बहुत महान कलाकार को ये सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, और इस वर्ष जावेद अख्तर साहब को ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। जावेद साहब तो जितने अवार्ड्स से सम्मानित हों वो उनके लिए कम है। जावेद साहब एक लेजेंडरी हस्ती हैं, और जैसे किशोरदा स्वयं थे, युगों युगों में एक ऐसा आर्टिस्ट आता है जावेद भाई जैसा, क्या तो कहानीकार, क्या तो गीतकार, और ये सब चीज़ें तो बहुत मामूली हैं। जावेद भाई तो बहुत ऊंचे विचार के और महान इंसान हैं, और राइटर तो ऐसे हैं कि मैं कहूँगा कि शायद वर्ल्ड क्लास, ट्रूली इंटरनेशनल, ट्रूली वर्ल्ड क्लास राइटर हैं। जावेद भाई से को जो सम्मान दिया जाए वो कम है, इसलिए गर्व होता है कि ये इतना महत्वपूर्ण अवार्ड जावेद अख्तर साहब को। मैंने सुना है पिछले साल अमिताभ जी को मिला था। हर कलाकार के लिए ये जीवन में बहुत बड़ी बात रहेगी कि कोशिश करे कि ये सम्मान उसे भी जीवन में मिले। किशोरदा की याद में हमेशा एक कायम की गई चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण है हिस्सा है हम कलाकारों के जीवन में, और मैं मध्य प्रदेश शासन को इस बात पे बधाई देना चाहूँगा। तो दूसरा उनकी स्मृति को संवार, एक जैसे मैंने कहा हर कलाकार की अपनी अपनी पहचान महानता की होती है। मुकेश जी का बहुत बड़ा दिल था, और मैं किशोरदा के गीत बहुत गाता था। ये बात अलग है कि अभी ये मुकेश जी के चले जाने के बाद श्रोता यही चाहते हैं कि मैं मुकेश जी के गीत सुनाऊं। आज एक ये गीत सुनाता हूं क्योंकि ये गीत मुकेश जी ने और किशोरदा ने मिलकर गाया है, और आज के इस कार्यक्रम में इसका अहमियत बहुत है, इस गीत की आज के दिन में ख़ास तौर से सुनाता हूँ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। किशोर का कोई गीत का मुखड़ा, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे, बहुत प्रिय गीत है ये मेरा। आज की शाम मैं मेरे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। यहाँ पर माननीय विठल भाई जी पटेल ने भी काफी प्रयास किशोर कुमार की समाधि के लिए किया था, लेकिन विठल भाई जी लोग पिछले वर्षों में वादा करके भूल गए
आपका एक गाना मुझे याद आ रहा है कि झूठ बोलने कौवा काटे, उन लोगों को झूठ बोलने के कारण कौवा काटे या नहीं काटे, लेकिन हमें कौवा नहीं काटेगा आपका, क्योंकि हमने जो वादा किया था वो वादा हमने निभाया है। मित्रों समय काफी हो रहा है और मुझे मालूम है कि आप मेरा भाषण सुनने नहीं यहाँ पर गाने सुनने आए हैं और इसलिए ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। उन्हें आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। Don't
तीर्थ स्थान बन गया है और आगे बढ़ता है, बनता ही चला जाएगा। उस पर आकर आज ऐसे महान दिवस पर इनको श्रद्धांजलि दे सकूं मैं, ये मेरे जीवन का बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। मेरे पहले आज का कार्यक्रम 7:30 बजे शुरू होने वाला था, कुछ देर वर्षा के मारे हुई, मगर आपका धैर्य आपका प्यार देख रहा हूँ। मगर मुझसे पहले किशोरदा के लिए लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें पहले से ही कह दी, मैं क्या कहूँ। इतना कह सकता हूँ कि आज जब किशोरदा की समाधि पर मैं माथा अपना टेकने गया और उनके आशीर्वाद लेने गया तो एक अद्भुत भावना महसूस हुई मुझे। मैंने सोचा कि एक फनकार, हम गायकों की बिरादरी को इस ऊंचाई तक, इस चट्टान तक, इस मुकाम तक ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। किशोरदा के प्रति आप सब खंडवा वासियों का प्यार देखकर कोई भी कलाकार का दिल दहल जाएगा और फिर वो प्रभु से यही प्रार्थना करेगा कि उसे ये प्रेरणा मिले कि वो भी उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास तो करे। किशोरदा का मुझ पर बहुत बहुत स्नेह था। आज मैं बताते हुए छोटा मुंह बड़ी बात लगती है, मगर मुझे एक बेटे की तरह प्यार करते थे। खास तौर से मुकेश जी के चले जाने के बाद उन्होंने अपने कई कार्यक्रमों में मुझे मौका दिया कि मैं भी उनके संग गा सकूं। एक बहुत बड़े इंसान का चिन्ह पहचान ये है कि मुझे इंट्रोड्यूस करते थे मंच पर, साथ में कहते थे कि मेरा गुरु भाई मुकेश, क्योंकि गुरु मानते थे सैगल साहब को, और मेरा गुरु भाई है मुकेश, उसका बेटा मेरे संग आज गाएगा, मगर वो गाए मैं चाहूँगा कि वो मेरे संग खड़ा रहे, मैं उससे पहले उसके बाबा का एक गीत सुनाना चाहता हूँ। और किशोरदा मुकेश जी का जब कोई सा गीत गाते थे तो मानो उस गीत में 4 चांद लगा देते, मगर इतने बड़े आर्टिस्ट की पहचान, उसके महानता की पहचान ये है कि वो एक और अपने कंटेम्पररी को, अपने सह कलाकार को इस श्रद्धा से और प्यार से श्रद्धांजलि अर्पित करें। ऐसी कई यादें हैं, कभी बच्चे बन जाते, कभी पिता समान रहते, कभी उनमें ममता जागती। हम सब कलाकारों को अलग 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 यादें हैं किशोरदा की। आइए आज उनके इस जन्म दिवस की तिथि पर ये प्रार्थना करें। कितना अच्छा लगा कि केक भी कटा। किशोरदा अमर है, शरीर से ही नहीं है तो क्या हुआ। आप सब हिंदुस्तान ने, सारे विश्व ने इतना प्यार दिया है किशोरदा को कि वो हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे, मगर खंडवा वासियों ने तो आज सचमुच, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि एक शहर के नागरिक इतना प्यार कर सकते हैं उस कलाकार को जिसने उनकी भूमि पर जन्म लिया था। मेरी ओर से आज का कार्यक्रम हर पल पर किशोरदा की याद में है, साथ साथ मेरे पूज्य पिताजी जो किशोरदा के बहुत बहुत प्रिय मित्र थे, बड़े भाई के समान थे, उनकी यादें ताज़ा करता रहूँगा। मगर पहले मेरा जी चाहता है कि किशोरदा का एक गीत आपको सुनाऊँ। मेरी आवाज़ में कमियाँ होंगी ज़रूर, शायद उन गीत को न्याय कर सकूँ या नहीं,
मगर गीत किसी एक इंसान का नहीं होता है, हर एक को गाने का अधिकार है। किशोरदा का ये गीत सुनाऊं मैं, तो आप ध्यान से सुने।
जब ये आया था, जिस फिल्म में आया था, उस फिल्म के बाकी सारे गीत इस गीत से ज्यादा लोकप्रिय हुए, पता नहीं क्यों। आज लगभग 55 वर्ष बाद जब इस फिल्म की एल्बम या कैसेट सुनते हैं तो सबसे ज्यादा ये गीत दिल को छूता है। फिल्म का नाम बता दूं, राज कपूर साहब की आवारा।
से कुछ तो बनाया गया है मेरे लिए, के जैसे कुछ तो कभी कभी
तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई।